सरकार में आते ही वादे से पलटी मार गए तेजस्वी यादव। 10 लाख नौकरी के सवाल पर देने लगे गोल गोल जवाब। लोग कह रहे हैं ये तो सबसे बड़ा पलटू कुमार है। बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बन गई है। तेजस्वी यादव दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। नीतीश कुमार की कृपा से राजद की सत्ता में एक बार फिर वापसी हो गई है। वापसी होते ही मोदी विरोधियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इनकी खुशी यह थी कि अब तेजस्वी भैया उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अपना वादा पूरा करेंगे। पहल के कैबिनेट में सीधे 10 लाख नौकरी देंगे और बिहार में नौकरी का भरमार लग जाएगा। बेरोजगारों को पकड़ पकड़ कर रोजगार दिया जाएगा। लेकिन इनके सारे सपने सपने ही रह गए क्योंकि तेजस्वी यादव पलटी मार गए। तेजस्वी यादव से एक निजी चैनल ने पूछा कि आप 10 लाख सरकारी नौकरी कब दे रहे हैं, तो तेजस्वी का तेजस्वी जवाब आया। बहुत आराम से बोले, हम मुख्यमंत्री थोड़े ही बने हैं, अभी तो हम डिप्टी सीएम हैं, सीएम बनेंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। लेकिन इस तेजस्वी के जवाब पर एक बेरोजगार ने खूब तंज कसा। उसने सोशल मीडिया पर लिखा, आप ठीक कह रहे हैं लेकिन डिप्टी गिरी में 10 नहीं तो 3 लाख ही सही, ताकि यकीन हो सके कि जनाब पर आगे भरोसा किया जा सकता है या नहीं, मौका देने का काम किया जा सकता है या नहीं। उप मुख्यमंत्री होने के साथ आप कई विभागों के मंत्री भी होंगे, आपकी पार्टी से कई मंत्री भी बनेंगे, तो अपने दल को प्राप्त मंत्रालय में ही कुछ गुंजाइश बचे। अच्छा छोड़िए, कम से कम उस ब्लूप्रिंट को ही सामने रख दें कि किस सेक्टर में कितनी नौकरियां सृजित होगी। इसके अलावा उन नौकरियों को जो नौकरी करेंगे उन्हें वेतन कैसे दिया जाएगा और वित्त मंत्रालय इन सबको कैसे संभालेगा। वहीं ताक पर बैठी भाजपा ने भी तुरंत तेजस्वी यादव पर इस बात को लेकर हमला बोलना शुरू कर दिया। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी 10 लाख रोजगार पर चुटकी ली। वहीं बिहार भाजपा ने कहा कि चाचा अवसरवादी, भतीजा परिवारवादी, लूटेंगे बिहार को दोनों पहनकर टोपी और खादी। अब देखना होगा कि मोदी विरोधी जो रोज रोजगार रोजगार चिल्ला रहे थे अब क्या करते हैं, तेजस्वी भैया से कितना सवाल करते हैं। वहीं राजद वाले कह रहे हैं कि पिछले सरकार से 19 लाख रोजगार क्यों नहीं मांग रहे थे। खैर जो भी हो, कम से कम मुद्दा रोजगार का होना चाहिए। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।